हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आपका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और वो गलती आप ना करें जो गलतियाँ हम करते करते आए हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, टाइम लगा, बहुत सारा टाइम का नुकसान उठाना पड़ा और बहुत टाइम बाद जाके हमको चीज़ें समझ में आई। अगर ये सारी चीज़ें आप जल्दी से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। टाइटल और थंबनेल आपने पढ़ ही लिया है। देखिए, सोशल मीडिया जो हमारा यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सोशल मीडिया, ट्विटर हो गया, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आती है, राइट? और एक हमारा मार्केट प्लेस हो गया। इन दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके के एड कैंपेन्स रन होते हैं। अब आपका जो सवाल है वो ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्टेड है, क्या हम उनके उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट, उन प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो सोशल मीडिया पे शेयर करके उन पे एड्स रन कर सकते हैं? यही क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछा जाता है और मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाऊँगा, वहाँ हम डिटेल में इसके बारे में सारी जो मैंने चार्ट बनाया वो आपके साथ शेयर करूंगा। डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या प्रॉस है, किसके क्या कॉन्स हैं। फिर मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। ये चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आपको आगे कभी तकलीफ नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए, ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बिगनर हैं और आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे सीखिए। शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मैंने एक टैब बनाया है। इसमें दो टाइप के एड्स होते हैं, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब एड्स, ये अपना सोशल मीडिया हो गया और ये हो गया मार्केट प्लेस एड्स। अब देखो, सोशल मीडिया एड्स पे हम टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं और टाइप ऑफ एड्स भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे टारगेट ऑडियंस में हम इंटरेस्ट बेस्ड जो है ऑडियंस ले सकते हैं। अब इंटरेस्ट बेस्ड में बहुत कुछ होता है, जैसे है ना, शॉपिंग, कौन शॉपिंग करना पसंद करता है, या फिर किसी को क्या पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को टी शर्ट्स लेना पसंद है, किसी को अलग अलग चीज़ शूज़ लेना पसंद है, किसी को एसेसरीज, कोई फ्रीक्वेंट बायर है। बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, बहुत डिटेल में टारगेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो। मेल या फीमेल को टारगेट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर उस सेक्स को भी हम जो है टारगेट कर सकते हैं कि हम मेल को टारगेट करेंगे या फीमेल को, किस एज के लोगों को टारगेट करना है, किस सिटी में टारगेट करना है, ये हमारे पास जो है ना फ्रीडम होती है सोशल मीडिया एड्स पे, ठीक है? आप इन चारों को डिफाइन करके बिल्कुल माइक्रो टू माइक्रो डिटेल सेलेक्ट करके और आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को जो है सेलेक्ट करके उनको अपने एड्स दिखा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है मैं कहूँगा फेसबुक, गूगल और यूट्यूब एड्स के ऊपर। अब टाइप ऑफ एड्स में आप देख सकते हैं कि आप बैनर्स बना सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप शॉपिंग एड्स भी बना सकते हैं। अब शॉपिंग एड्स क्या होता है, देखिए, अब मैं जैसे सपोज लिखता हूँ शूज़ फॉर मैन, ओके। जब मैं शूज़ फॉर मैन लिखता हूँ तो ये जो आपको देखो एड्स दिख रहा है ना गूगल का, ये शॉपिंग एड्स है। ये अलग अलग बाटा ने अपना एक एड चला रखा है, अलग अलग कंपनीज अपने अपने एड्स चलाती है, इन्हें शॉपिंग एड्स कहते हैं, ठीक है? ये सारे जो हैं ये गूगल के नॉर्मल एड्स होते हैं, ठीक है? अलग अलग एड्स होते हैं, फेसबुक के ऊपर भी आपने कभी देखा होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स आते हैं, तो ये सब सोशल मीडिया एड्स हैं। यहाँ पर आप जैसे इंटरेस्ट बेस हो गया, मेल फीमेल हो गया, एज सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने सपोज यहाँ पर मेरी एज, मेरे रिलेटेड अगर कोई चीज़ कर रखी है तो ये मुझे ही एड्स दिखेंगे फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है? अब बात आती है कि बैनर्स कौन से होते हैं, वीडियोज़, तो वीडियो अगर चलाना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर वीडियो चला सकते हैं, शॉपिंग एड्स दिखा सकते हैं, बैनर्स दिखा सकते हैं। तो ये जो फंडा है ना, ये फेसबुक, गूगल और यूट्यूब एड्स का फंडा है, इसके ऊपर आप इस तरीके से एड कैंपेन रन कर सकते हैं। अब क्या मार्केट प्लेस के ऊपर भी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मार्केट प्लेस के ऊपर कौन कौन से एड्स हैं, बैनर्स हैं, बैनर्स आपको मिल जाते हैं, आप वीडियो एड भी बना सकते हो। आजकल अमेजोन के ऊपर बहुत सारे वीडियो एड्स भी आ रहे हैं और आपने मिंत्रा के ऊपर भी देखा होगा, और रही बात फ्लिपकार्ट और मीशो की, तो उनके ऊपर भी काफ़ी सारे ऐड कैंपेन अभी चल रहे हैं। वीडियो का तो हालांकि इतना नहीं आया, लेकिन बैनर्स आप रन कर सकते हो। अब प्रोडक्ट ऐड के अंदर हमको रिफाइंड एड्स टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड, मतलब रिफाइंड एड्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आप है ना एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोटीन शेक। अब आप चाहते हैं कि किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर ही आपका प्रोटीन शेक का ऐड आया, आप न्यूली लॉन्च्ड प्रोटीन शेक आपने बनाया है, पाउडर बनाया है, और आप चाहते हैं मसल ब्लेज के ऊपर या फिर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जब कोई इनको सर्च करेगा
तब आपका ऐड दिखना चाहिए। अब जैसे है ना, मैं सपोज करो मैं प्रोटीन पाउडर फॉर मैन, प्रोटीन पाउडर एज इन ये देखिए, अब ये तो आगे आप ये हो गया ना डिस्प्ले एड होता है, ये इनका डिस्प्ले एड है, स्पॉन्सर इसे डिस्प्ले एड कहा जाता है, ये इनके ब्रांड का, इससे आप क्लिक करोगे तो ये आपको ब्रांड, तो इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर इस ऐड को टारगेट किया है। अब ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, अभी अगर मैं ये देखिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ये बड़ा ये मसल ब्लेज हो गया। अब जैसे चलिए मसल ब्लेज को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है ना, मसल ब्लेज को हम सर्च करते हैं, सॉरी मसल ब्लेज वे प्रोटीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मसल ब्लेज के सारे प्रोडक्ट है। अगर किसी ने इस ब्रांड को टारगेट करके कोई दूसरा, अब ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि मसल ब्लेज को टारगेट किया है बिग मसल वाले ने और टेरा ओरिजिन वाले ने, ये होता है रिफाइंड टारगेटिंग, समझ रहे हैं आप, इसे रिफाइंड टारगेटिंग करते हैं ताकि जो व्यूअर है ना उसको एक सेकेंड चॉइस मिले कि यार मसल ब्लेज के तो 2199 के हैं और ये 1650 रुपये में मिल रहा है, बिग मसल का भी अच्छा है, मसल ब्लेज का भी है और टेरा ओरिजिन, तो यार मसल ब्लेज लिया जाए, तो ये एक ऑप्शन जो है ना इसे रिफाइंड टारगेटिंग बोलते हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स के लेकर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप इस पर डिटेल वीडियो बनाएं, मैंने इसको घोट घोट के पिया है, मैं इसकी ए टू जेड चीज़ें जानता हूँ, आज अगर मैं चाहूँ तो लाखों रुपये खर्च करके करोड़ों के जो है सेल्स ला सकता हूँ, लेकिन उसके फिर बहुत सारे प्लस भी, बहुत सारे माइनस भी होते हैं, बट मैं अभी थोड़ा दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने अभी इसको होल्ड पे रखा हुआ है, बट मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। देखिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मार्केट प्लेस एड्स के ऊपर जो भी एड रन होता है ना उसमें आपको जो डेटा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है कि कौन से कीवर्ड के ऊपर कितने इंप्रेशन आए, कितने क्लिक्स आए और उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या थी, यानी कि CPC। लेकिन फेसबुक गूगल और यूट्यूब एड्स के ऊपर आप अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है, आप सपोज किसी प्रोडक्ट को अगर किसी वेबसाइट को जाके सर्च करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आपके आपको जो है ना आपके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ना वापस उसी कंपनी के एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे रीटारगेटिंग कहते हैं। और वो डेटा इतना कीमती होता है कि वो आपकी एक ऑडियंस हो सकती, वो ऐसी ऑडियंस है जो आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस देते हैं कि वो ऑडियंस आपका परचेज जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकती है, तो इसलिए ये डेटा जो है वो फेसबुक गूगल और यूट्यूब ही आपको प्रोवाइड कराता है रीटारगेटिंग के लिए, लेकिन ये लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, मीशो वाले हो गए या फिर आपके फ्लिपकार्ट वाले हो गए या फिर अमेजोन वाले हो गए। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर आपको एड्स रन करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट चाहिए, यहाँ आपको वेबसाइट नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी वेबसाइट, यू जस्ट नीड अ वेबसाइट टू रन दीज एड्स, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वेबसाइट टू रन दीज एड्स, मार्केट प्लेस एड्स, ओके। अब जो मेजर डिफरेंस आता है, मैं आप लोगों को इन दोनों का एक बहुत मेजर डिफरेंस बताता हूँ, यहाँ पर जो ऑडियंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो परचेस करेगी, लेकिन यहाँ की जो ऑडियंस है वो मार्केट प्लेस पे कुछ ना कुछ खरीदने ही आई है, समझ रहे हैं आप, ये एक सोशल ऑडियंस है, यहाँ पर लोग खरीदने नहीं आते लेकिन यहाँ पर लोग खरीदने आते हैं, ये चीज़ जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेरेटिवली इसके। अगर आप अपनी वेबसाइट रन करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, ये वाले एड्स सोशल मीडिया एड्स। लेकिन अगर वेबसाइट आप नहीं चलाते हैं और सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वाले एड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली इसमें, क्योंकि इस प्रोडक्ट के एड को आप अगर यहाँ चलाएंगे तो इसका डेटा आपको नहीं देगा फेसबुक, आप रीटारगेटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारा डेटा इनको मिलेगा, मार्केट प्लेस की बैकएंड टीम को, आपको नहीं मिलेगा, ये सारा डेटा जो है ये इनको मिलेगा, इसलिए अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको पता चलेगा कि आपका सारा डेटा यहाँ पर है। मैं एक अपनी वेबसाइट पे, मैं आपको मेरी वेबसाइट पे जो डेटा है मैं उससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मैं कैसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। देखिए जब मैं इवेंट मैनेजर पे जाता हूँ फेसबुक के, अब इस इवेंट मैनेजर पे जब मैं जाता हूँ, इवेंट्स मैनेजर ओवरव्यू पे जाता हूँ, तो ये मुझे सब डेटा बताएगा कि आपके वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए, आपकी वेबसाइट को कितने लोगों ने देखा, वो सब चीज़ें। 7 घंटे पहले लास्ट इवेंट आया था, आप देख सकते हैं कैटेगरीज जो है वो 2 दिन पहले देखी गई थी। अभी मैं मेरी वेबसाइट पे इतना एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं शो ऑल इवेंट्स पे जाके देखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैटेगरी, कंटेंट, एड टू कार्ट चार जनों ने किया, ये सब चीज़ें इस पे मिलती है, ठीक है। ये सारा डेटा जो मिल रहा है ना कि भाई आप टारगेट कर सकते हो, जैसे चार जनों ने एड टू कार्ट किया लेट्स से,
अब चार जनों जो ऐड टू कार्ट किया, मैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है वो मेरे बायर बन जाए, जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया है उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ, हो सकता है वो मेरे बायर बन जाए, ठीक है। जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरीज को देखा है, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, हो सकता है वो लोग मेरे जो है ऑडियंस, वो जो पर्टिकुलर ऑडियंस है वो मेरी जो है मेरे बायर बन जाए। ये चीज़ आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगी। मार्केटप्लेस एड्स, मार्केटप्लेस के प्रोडक्ट अगर आप यहाँ एड्स रन करोगे तो आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। मेरा यकीन मानिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अपने पैसे यहाँ खर्च मत करिएगा, क्योंकि ये कंपनीज ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर रिटारगेट कर रही है उन फ्रीक्वेंट बायर्स को। आपने खुद ने भी देखा होगा अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के एड्स रन होते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर जाके देखते हो तो उनके एड्स यहाँ पर रन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और इससे मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सो गाइज, आपने देखा है कि इस प्रकार से जो है हमें कौन से एड्स कैंपेन रन करने चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप ऑर्डर्स लाना चाहते हैं बिना पैसा खर्च किए, बिना एड कैंपेन रन करें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप बिना एड रन किए कैसे ऑर्डर ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइएगा, सो दैट मेरा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।